अरे अमन उधर हो ना यार, चल चल रन, रेडी रेडी, पूछो पूछो सर। I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I have done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it takes a heavy toll on you. Again, mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे जवाब देगा। उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर डन, यू डन थ्री क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, एनीवन, किशन, किशन कोई क्वेश्चन है क्या? उठो, किशन पूछेगा, पूछ रहे यार। आपने कहा था हां सर, उधर 32 सीट जा रहा है, और चिकन लेके बैठेंगे। बटन बोला था, बटन नहीं, बटन 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 कभी कहना सर, जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, कुछ आप बताना चाहेंगे क्या, आगे क्या करना चाहेंगे, कोई सक्रिय खिलाड़ी आप करना चाहेंगे अलग-अलग? दोस्त, आपकी उम्र शायद बहुत कम है, मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीजन था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टी वी, ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता तो मैं रियलिटी टी वी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ, और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा, और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। सर, 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 क्या सर, सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आपके ऊपर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। जी साना नहीं तो डिजर्विंग कौन था? मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज जाता? यार उसको मैसेज का क्या, जो जीत, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति कोई होगी। सर, आपने भी ये कहा था, लेकिन सर यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? लेकिन सर, बीच में कैमरा मैन सर, आप कह रहे हैं कि हमारा देश का अलाउ नहीं करता है कि आप तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। अरे 5 मिनट भी नहीं हुआ है 18 में। अरे तो पूछना, बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। साइलेंस, अरे पूछो भाई, साइलेंस भाई 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 प्लीज यार, मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। क्या प्रॉब्लम? आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो।
हैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। काम नहीं मिल रहा? नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास। और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था तो वो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त में वो कर सकता, तो इसीलिए मैंने ये अरे रुको सर, अभी रिलीज नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज अभी 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 पता लगा है आने से पहले। मैं 42 डेज कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, मुझे अंदाज़ा नहीं है। और मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी एंथुसियाज्म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। सर, अरमान के शादी के लिए आपने कहा था कि बॉलीवुड में ऐसे कई बार हुआ है या होता है? बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? सर मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग कौन सी ऐसी चीज है जो रणवीर सर लुक यू, रणवीर ऐसा वाला। थैंक यू सर मैडम आप से नाराज नहीं हूँ, मैं खड़ूस हूँ।